नमस्कार साथियों, आलम स्टडी एंड जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। आज हमने जो शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज ये क्लास रहने वाले शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित सुपरिचित लेखक और उनकी पुस्तकें हैं। जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें जो बार बार परीक्षा में आती है, तो उन पुस्तकों का आज किस कक्षा के माध्यम से चर्चा करेंगे, तो क्लास के अंत तक बने रहना है। इस हर बार एक क्वेश्चन आता है, जो 20 क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन इस बुक का आएगा, तो कितने नंबर का हो जाएगा? 2 नंबर का। तो ये क्लास 10 10 मिनट की या 15 मिनट की रहने वाली है, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहना है। और हम ये लेखक और उनके पुस्तक के नाम बताएंगे। हमारी थोड़ी अंग्रेजी वीक है, थोड़ा शब्दों पर ध्यान आप ही देख ध्यान रखना। रुडोल्फ गोकेल, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? साइकोलॉजिया है। गोकेल की पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। क्या नाम है? साइकोलॉजिया है। अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है? डी एनिमा। क्या नाम है? डी एनिमा। वुडवर्थ की पुस्तक का क्या नाम है? वुडवर्थ है। पुस्तक का नाम डायनामिक साइकोलॉजी है। क्या नाम है? डायनामिक साइकोलॉजी है। एन राइट। वुडवर्थ की पुस्तक का नाम है डायनेमिक साइकोलॉजी। प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? तो रिपब्लिक है। क्या नाम है? प्लेटो की पुस्तक का रिपब्लिक है। हार्वर्ड गार्डनर है। गार्डनर की पुस्तक का क्या नाम है? तो यह फ्रानास ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस एंड कॉमा इंटेलिजेंस रिफ्रेमेंट। ये क्या हार्वर्ड गार्डनर की ये पुस्तक है? क्या नाम है? फ्रानास ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस रिफ्रेमाइंड। ये 2 पुस्तकें हैं, किसकी है? गार्डनर की है। मेस्लो की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेस्लो की पुस्तक है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी किसकी पुस्तक है? मेस्लो की। वाटसन की पुस्तक का क्या नाम है? बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। व्यवहारवाद किसकी पुस्तक है? व्यवहारवादी। तो ये किसकी है? वाटसन की है। दूसरी पुस्तक का क्या नाम है? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ए बिहेवियर। ये किसकी पुस्तक है? वाटसन की है। ये 2 पुस्तकें हैं वाटसन के, बिहेवियरिज्म और साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ए बिहेवियर। उसके बाद आता है डेनियल गोलमैन, इनकी पुस्तक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन बेटर देन आईक्यू। इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन बेटर देन आईक्यू। ये किसकी पुस्तक है? गोलमैन की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक का नाम है इसके गोलमैन के वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस ये किसकी पुस्तक है? डेनियल गोलमैन की पुस्तक है। नेक्स्ट है जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर की पुस्तक का क्या नाम है? तो उसका है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसकी पुस्तक है? ब्रूनर की है। दूसरी पुस्तक का क्या नाम है? दूसरी है द रिवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है क्लार्क हल। क्लार्क हल की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर ये किसकी पुस्तक है? क्लार्क हल की है। नेक्स्ट पुस्तक है ए थ्योरिटिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर ये किसकी पुस्तक है? तो क्लार्क हल की है। किसकी है? क्लार्क हल की है। मैक्स वर्दीमर इसकी पुस्तक का क्या नाम है? फेनोमेना है। दूसरी पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है प्रोडुकेशन थिंकिंग। प्रोडुकेशन थिंकिंग है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड की पुस्तक का नाम है फील्ड ऑफ साइकोलॉजिया। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जनरल साइकोलॉजी। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी और कौन सी है? जनरल साइकोलॉजी। ये किसकी पुस्तक है? गिलफोर्ड की है। विलियम मैकडूवेल की पुस्तक का क्या नाम है? तो आउटलाइन साइकोलॉजी है। क्या नाम है? आउटलाइन साइकोलॉजी। जॉन लॉक की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म। रूसो की पुस्तक का क्या नाम है? इमाइल है। क्या नाम है? इमाइल। किसकी पुस्तक है? रूसो की है। विलियम जेम्स की पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है। ये किसकी है? विलियम जेम्स की है। स्टैनले हॉल की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है
रेंडोलॉजिकल सेमिनरी एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, ये किसकी पुस्तक है? तो ये स्टेनले होल की है। किसके? स्टेनले होल की है। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। जेरोम ब्रूनर की कौन सी है? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जेरोम ब्रूनर और की और कौन सी है? तो वह है द रिवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन। क्लार्क हल की कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये किसकी है? क्लार्क हल की है। दूसरी पुस्तक कौन की है? ए थ्योरिटिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैक्स वर्दीमर की कौन कौन सी है? फिनोमेना और प्रोड्यूकेशन थिंकिंग। ये दोनों किसकी है? मैक्स वर्दीमर की है। गिलफोर्ड की कौन सी है? फील्ड ऑफ साइकोलॉजी और जनरल साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल की कौन सी है? आउटलाइन साइकोलॉजी। जॉन लॉ की कौन सी है? इम्पिरिसिज्म। रूसो की है इमाइल। विलियम जेम्स की है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। स्टेनले होल की है पेंडोजोल पेंडोलॉजिकल सेमिनरी एडोलेसेंस ये किसके? स्टेनले होल की पुस्तक है। नेक्स्ट है टॉलमैन। टॉलमैन की पुस्तक कौन सी है? पर्पस बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। पर्पस बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन इसके अंदर की पुस्तक का क्या नाम है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये किसकी पुस्तक है? तो ये इसके अंदर की है। कोप का की पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी द ग्रोथ ऑफ माइंड। कोप का की पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी द ग्रोथ ऑफ माइंड ये किसकी पुस्तक है? तो ये कोप की पुस्तक है। कोहलर की पुस्तक क्या नाम है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। क्या नाम है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। थॉर्नडाइक की पुस्तक का क्या नाम है? एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या नाम है? एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? थॉर्नडाइक की है। कोपकर एवं एप्पल की पुस्तक का नाम है मोटिवेशन थ्योरी एंड रिसर्च। मोटिवेशन थ्योरी एंड रिसर्च ये किसकी है? कोप का एंड एप्पल की है। ई आर हिलगार्ड की पुस्तक का क्या नाम है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग है। हिपोक्रेटस की पुस्तक का क्या नाम है? तो उसका है नेचर ऑफ मैन। क्या नाम है? नेचर ऑफ मैन है। जॉन डीवी पुस्तक का नाम है स्कूल एंड सोसाइटी हाउ वी थिंक। स्कूल एंड सोसाइटी हाउ वी थिंक ये किसकी पुस्तक है? जॉन डीवी की पुस्तक है। हेनरी कोल्डवेल कुक ये किसकी पुस्तक है? तो ये प्लेवे की पुस्तक है। किसकी है? प्लेवे की पुस्तक है। रॉबर्ट गेने की पुस्तक का क्या नाम है? कंडीशन ऑफ लर्निंग। क्या नाम है? कंडीशन ऑफ लर्निंग है। स्प्रिंगर की पुस्तक का क्या नाम है? तो टाइप्स ऑफ मैन। क्या नाम है? टाइप्स ऑफ मैन है। स्प्रिंगर की पुस्तक का नाम टाइप्स ऑफ मैन। क्रेसमेयर की पुस्तक का क्या नाम है? तो वह फिजिक्स एंड कैरेक्टर। फिजिक्स ऑफ कैरेक्टर है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। टॉलमैन की कौन सी है? पर्पस बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। इसके अंदर क्या है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोप का क्या है? प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी द ग्रोथ ऑफ माइंड। कोहलर की बुक का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। थॉर्नडाइक की है एजुकेशन साइकोलॉजी। कोप का एंड एप्पल की पुस्तक है मोटिवेशन थ्योरी एंड रिसर्च। ईआर हिलगार्ड की है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। हिपोक्रेटस की है नेचर ऑफ मैन। जॉन डीवी की है स्कूल एंड सोसाइटी हाउ वी थिंक। हेनरी कोल्डवेल कुक की है प्लेवे। रॉबर्ट गेने की है कंडीशन ऑफ लर्निंग। स्प्रिंगर की है टाइप्स ऑफ मैन। क्रेसमेयर की है फिशिक एंड कैरेक्टर। नेक्स्ट है सी डब्ल्यू बियर्स की कौन सी है? ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ है। थर्स्टन की पुस्तक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है। जीन प्याजे की पुस्तक का क्या नाम है? लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड थिंकिंग।
लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड थिंकिंग। इरिक इरिक्सन की पुस्तक का क्या नाम है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी है। प्रेयर की पुस्तक का नाम है माइंड ऑफ चाइल्ड है, क्या नाम है? माइंड ऑफ चाइल्ड किसकी पुस्तक है? प्रेयर की है। अल्बर्ट बांडूरा की पुस्तक का क्या नाम है? सोशियल फाउंडेशन ऑफ द थॉट एंड एक्शन, सोशियल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड सेक्शन, ये किसकी पुस्तक है? अल्बर्ट बांडूरा की है। रुडोल्फ गोइकले इसकी पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया ये किसकी पुस्तक है? रुडोल्फ गोइकले की है। एच ए रेबर्न इसकी पुस्तक का क्या नाम है? एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ टू साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? रेबर्न की है। वाल्टर की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंट्रोडक्शन टू पर्सनलिटी ये किसकी पुस्तक है? वाल्टर की है। अल्पोर्ट की कौन सी पुस्तक है? वह पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनलिटी, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनलिटी है अल्पोर्ट की ये पुस्तक है। नेक्स्ट है डेविड आंसुबेल की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू, डेविड आंसुबेल की पुस्तक का क्या नाम है? एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू है। प्लांट की पुस्तक का क्या नाम है? तो वह पर्सनालिटी एंड कल्चर पैटर्न, प्लांट की पुस्तक का क्या नाम है? पर्सनालिटी एंड कल्चर पैटर्न है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सीडब्ल्यू बियर्स की कौन सी है? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ थ्रस्ट एंड किया है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। जीन प्याजे की लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड थिंकिंग। इरिक इरिक्सन की कौन सी है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ब्रेयर किया है माइंड ऑफ चाइल्ड। अल्बर्ट बांडूरा किया है सोशियल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। रुडोल्फ गोइकले की कौन सी है? साइकोलॉजिया। एच ए रेबर्न की कौन सी है? एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। वाल्टर किया है इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी। अल्पोर्ट किया है पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। डेविड आंसुबेल किया है एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू। प्लांट किया है पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न, ये किसकी है? प्लांट की है। नेक्स्ट है कुप्पुस्वामी कोई कौन सी है? तो एडवांसेड एजुकेशनल साइकोलॉजी। फ्राइड की कौन सी है? साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ ये किसकी है? फ्राइड की है। कुर्ट लेविन की पुस्तक का क्या नाम है? फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग ए डायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये किसकी है? दो पुस्तकें हैं, फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग एक तो ये पुस्तक है, दूसरी है ए डायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये किसकी पुस्तक है? कुर्ट लेविन की पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें से संबंधित जो बार बार क्वेश्चन आता है तो वो महत्वपूर्ण पुस्तकें हमने 15-20 मिनट के वीडियो में बता दी है, साथ साथ में हमने रिविजन भी कर लिया है, मेरे हिसाब से आपको याद भी होगी होगी। तो चैनल को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो अगली क्लास है वो आपको मिलेगी प्रमुख सिद्धांत और प्रवर्तक, जो प्रमुख सिद्धांत और प्रवर्तक है इनसे संबंधित तीन क्वेश्चन आते हैं परमानेंट आते हैं, तो तीन क्वेश्चन 6 नंबर के आ जाएंगे। ये क्लास जरूर देखना, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।